हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट जो है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू एंड बी greater than 6, then number first 2, 4 belongs to R, B 3, 8 belongs to R, C 6, 8 belongs to R, then next hai mere paas D option beta 8, 7 belongs to R. हाँ जी बेटा, कैसे चेक करोगे? फर्स्ट ए है, सेकंड क्या है? बी. वैल्यूज पुट करके देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता. अगर मैं फर्स्ट से देखूं 2, 4 इधर 2 लगाऊं और 4 माइनस मेरे पास हो गए, आप यहीं से देख सकते हो उसने कहा बी शुड बी ग्रेटर देन 6, तो ये ऑप्शन देखने की जरूरत है? नो नीड टू सी दिस बिकॉज यहाँ बी क्या है? लेस देन 6, ये तो कैंसल ही हो गई. अब इन सब में बी ग्रेटर देन 6 है, तो लेट अस सी इफ आई, हाँ चेक कर लो आप. हाँ जी, यहां पर अगर एक्स में मींस ए 3 पुट करती हूँ और बी 8 पुट करती हूँ तो ये 6 आता है. सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है. नाउ सी द थर्ड, इफ आई पुट 6 हियर और 8 माइनस 2 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस द थर्ड ऑप्शन इज देयर. ओके, पता चला बेटा? हमने आगे भी ऐसे जस्ट चेक करना, बिलोंग्स दोनों वैल्यूज पुट कीजिए एंड चेक कीजिए. ओके, चलो बेटा आगे. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में बेटा मेरे पास जो है, वेट, हां जी, दैट इज गिवन ए आर बी बोथ वे इंप्लाइज ए प्लस बी is an even integer, is an even integer, b a r b both way implies a minus b is an even integer. Now third c a R B both way implies A less than B. Now next D A R B both way implies A equals to B. देखते ही पता चल रहा है कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा नहीं हो सकता. A ऑप्शन नहीं हो सकता, C ऑप्शन हाँ A है, B भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ले ए प्लस ए 2a हो गया इवन होगा. हाँ जी, इधर रिफ्लेक्सिव ले ए माइनस ए 0 इवन में काउंट होता है. अब सिमेट्रिक देखें, ए प्लस बी ले लो या बी प्लस ए ले लो, है ना, हो गई क्यों? इक्वल है, ए इज इक्वल टू ए. अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है, सिमेट्रिक भी हो गया. अगर a इक्वल टू b है, b इक्वल टू d है या c है, तो a इक्वल टू c भी होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया. सिर्फ इसी क्वेश्चन में कहां प्रॉब्लम आएगी? a लेस देन a रिफ्लेक्सिव में प्रॉब्लम आएगी और सिमेट्रिक में. ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है. बात समझ आई क्यों नहीं है? पता चला बेटा? आगे चलू बेटा? ठीक है. अब अच्छा, अगर यहां पर A less than equal to B होता ना, ये reflexive होता, लेकिन symmetric नहीं होता. क्यों नहीं होता symmetric? क्योंकि A less than equal to B, लेकिन B less than equal to A नहीं हो सकता. समझ आ गई बेटा बात? क्लियर? चलो आगे, ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट. चलिए नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर इज अ रिलेशन
on the set Z. R is a relation on the set Z. Of integers and is given by xy belongs to R such that beta mod x minus y is less than equals to 1. Mod x minus y is less than equals to 1, then R is, number first, reflexive and transitive. Number second, reflexive and symmetric. Number third, symmetric and transitive. Number fourth, equivalence relation. हाँ जी बेटा देखिए, they write in the starting, if R is a relation on the set Z of the integer, then is given by xy such that mod of x minus y जो है वो less than equal to 0 है. तो उन्होंने बताया कि out of the four option which is true. अब let us discuss कि सी है कि नहीं. मेरे अकॉर्डिंगली तो ये रिफ्लेक्सिव है ही है, 100% है. कैसे है रिफ्लेक्सिव? है एक्स माइनस एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू ऑलवेज. रिफ्लेक्सिव तो दिख ही रहा था. सिमेट्रिक में देखें, सिमेट्रिक भी होगा. क्यों होगा बता सकते हो? क्योंकि कुछ भी हो वो नेगेटिव तो कंज्यूम कर लेना, है ना? आपने वो वैल्यूज देखनी है जो इससे मतलब 1 से लेस हो, और वो 100% वो क्या हो, 1 से लेस होगा तो चाहे आप x माइनस वाई ले लो या वाई माइनस एक्स ले लो, सिमेट्रिक भी हो गई. प्रॉब्लम आती है ट्रांजिटिव में, वो चेक करना मुश्किल होता है. क्योंकि अगर मैं देखूं ये मेरा हो नहीं सकता, ठीक है, मेरा रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, रह क्या गया ट्रांजिटिव, यानी या बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है. क्योंकि अगर वो ट्रांजिटिव हुआ तो इक्विवेलेंस होगा, अगर नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होगा. यही चीज है ना. अब आपको जब पेपर में करना है कोई भी एग्जांपल लेके करके देखो. दमन पे ये टेंशन है बेटा, टेक एनी एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाए. लीजिए फटाफट चेक कीजिए. हाँ जी, C3, अगर आप 3 ले रहे हो तो ओके, 1 या 1 के बराबर है. चेक कीजिए हो रहा है नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि 1 माइनस 3 2 हो गया, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, जो है बी ऑप्शन. ठीक है जी, इतना तब सोचना नहीं है. क्योंकि आगे होता था हम कैलकुलेट करके मतलब प्रूफ करते थे. अब जो भी चीज चेक करनी है ना, एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं. आपके लिए क्वेश्चन करना इजी होते हैं. चलो बेटा आगे, ये बात समझ आई सबको? देखो A1 B2 C3, तो मेरे पास क्या हुआ, अगर मैं लेती हूँ 1 माइनस 2, क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 ही है. 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू है ना, तो मेरे पास हुआ. उसके बाद 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, मॉड 1 1 नहीं आएगा. तो उसके बाद लेकिन मैं 1 और 3 लूं तो डिफरेंस कितना बन रहा है, दैट डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मींस वो ट्रांजिटिव नहीं है. ओके बेटा, चलिए डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द रिलेशन आर defined on beta the set A that is given by 1 2 3 4 5 and R is
AB such that मेरे पास जो है mod of a square minus b square is less than 16 is given by 1 1 2 1 3 1 4 1 2 3. हाँ जी b 2 2 3 2 4 2 2 4. नेक्स्ट c 3 3 4 3 5 4 3 4. d option none of these. चलिए बेटा सॉल्व इट एंड गेट द रिजल्ट. ट्राई करो जल्दी फटाफट करो. हाँ जी आपने करके देखा सबने अभी करके देखा. कोई एक वैल्यू जो इसमें कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही. सारी कर रही है. उन्होंने क्या कहा है कि अगर सारी कर रही है तो फिर नन ऑफ दीज क्यों करें. उन्होंने कहा है कि द रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस इज गिवन बाय. तो अगर गिवन यहां पर जो है किससे डिफाइंड होता है. ये भी कर रहा है तो नन कैसे. मुझे बात नहीं समझ आ रही आपकी. बी ए रिलेशन लेट आर बी ए रिलेशन कवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन सच दैट L1 R L2 implies L1 perpendicular to L2, then R is जो है symmetric, reflexive, transitive, equivalence relation. नहीं होगा ही नहीं. अरे perpendicular में मुझे पता है transitive होता ही नहीं है ये. जो है अगर आप reflexive देखो है ही नहीं. क्या एक लाइन अपनी ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती. ये लाइन है ये सेम लाइन है ये परपेंडिकुलर नहीं होती. हम पैरेलल काउंट कर सकते हैं. अपनी ही लाइन अपने के ऊपर पैरेलल होती. परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं है. तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा. सिमेट्रिक होता है. अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी लाइन इसके परपेंडिकुलर ही होगी. सिर्फ सिमेट्रिक है. ट्रांजिटिव ऐसा ही नहीं होता. ये देखो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर L1 L2. अब L2 परपेंडिकुलर टू L3 तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है. नहीं पैरेलल. ये तो बुक का क्वेश्चन है. हमने कितनी बार करते हैं तो याद ही हो जाता है. ठीक है बेटा क्लियर. इट इज ओनली सिमेट्रिक. नाउ नेक्स्ट मेरे पास जो है बेटा लेट ए इक्वल्स टू ABD A equals to AB C not D. Then the relation are BC on A is reflexive only, is symmetric only, transitive only, reflexive and symmetric. सबसे बड़ी बात है ये reflexive है ही नहीं. ट्रांजिटिव कैसे है. सिमेट्रिक कैसे है. सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि अगर बी सी है तो सी भी होना चाहिए. सिर्फ ट्रांजिटिव है. 100% ट्रांजिटिव है. मैं बार बार कहती हूँ ट्रांजिटिव में हम दो एलिमेंट चेक करते हैं वो बिलोंग कर. जब दूसरा चेक ही नहीं कर पा रहे तो 100% वो क्या होता है ट्रांजिटिव होता है. तो ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में फटाफट कर सकते हो ना बिना कैलकुलेट किए. बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. समझ आ गई बेटा.
क्लियर है कि ये ट्रांजिटिव कैसे है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बेटा आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन. लेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 सो ऑन 17, 18 एलिमेंट्स है उसमें, 18 तक. ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 17, 18 एंड लेट दिस रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, दिस रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, ऑन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय ए बी इक्विवेलेंस विद सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी. फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीप्लाई, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 3, 2 हाँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 2 इज. कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7 यानी आपको ए और बी की वैल्यू दे दी है, ए और बी की वैल्यू दे दी है 3D इज इक्वल टू 2C. अब आपने ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब मान लीजिए मैं अगर डी ले लू 2, सी ले लू 3, 6 इज इक्वल टू 6, एक आ गया मेरे पास, तो मेरे पास पहला आ गया 2, 3. ऐसे ही आपने सारे स्टार्ट करने जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. अगर आपने मान लो सी की वैल्यू 2 ले ली 4, इधर कोई नहीं बनेगा ना, फिर क्या करोगे 3, सी की वैल्यू 3 ली इधर 2 लेना है, सर गया. आगे 4, इधर 4 लोगे, 3 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करके वो नहीं बनेगा. फिर 5 नहीं बनेगा, 6, 12 बना, इधर क्या आएगा 4, एक और आ गया मेरे पास हो गए, क्या लिया था मैंने 6, 4. ऐसे ही 7 आप इधर लोगे 14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता. फिर बेटा 8, 16 नहीं आएगा. फिर 9, 18 और 6 आएगा. ऐसे करते करते सारे ढूंढ लेंगे. पता चला कैसे ढूंढ रही हूं मैं? ठीक है, करते करते वैसे भी बताऊं 6 बन रहे हैं. हाँ बिल्कुल, कि जब भी ऐसे हमारे पास आए ना 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो. 2 और 3 का एलसीएम कितना बना 6, तो 100% 6 के मल्टीपल देख लो कितने आते हैं, उतने एडजस्ट हो जाएंगे. ओके जी, क्लियर? चलो बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए